हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्प मित्र मुकेश चौहान। कोई सांप आया है पूर्वा गांव में, आइए निकाल के बताते हैं कौन सा सांप है, उसके बारे में निकालने के बाद जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, सांप इस दर्जे के नीचे बताया जा रहा है चला गया है। हालांकि हमें फोन किया गया था 1 घंटा पहले, थोड़ा आने में हमें लेट हो गया है। तो नीचे से अभी तोड़कर इसे निकाला जाएगा, निकाल कर बताते हैं आपको कौन सा सांप है। चप्पल पहन के आओ पहले, कोई इमरजेंसी टॉर्च मंगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सांप अभी दिखा नहीं है, हालांकि ये पूरा अलमारी फिक्स है, इसे तोड़ना पड़ रहा है। सांप दिखा नहीं है, लेकिन एक ये उसके पोवा जो होता है, इसे ऊपर ही छोड़ दिया था, यानी कि ये सांप काफी दिन से इसी में रह रहा था, इसी में इंसानों को बसेरा है। ऊपर एक गैप में सांप ने भी बसेरा बना लिया था, अब ये दिखा नहीं। हालांकि अलमारी में भी हो सकता है, पूरा अलमारी चेक करके देखते हैं लोग। सांप दिख चुका है, देखने में धामिन सांप लग रहा है। ये देखिए, ये जा रही है। नहीं, मत बंद करो, नहीं। ये देखिए, सुरक्षित स्थानों की तरफ निकलते हुए पूरा अलमारी को तोड़ दिया गया है, अब आराम से निकल रही है। इसे आराम से निकल जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम चाहेंगे कि आराम से निकल जाए, ये तो पूरी अलमारी निकालनी पड़ेगी।
के ऊपर जाती है। तो फ्रेंड्स अलमारी के पीछे छुपी हुई है, अलमारी में काफी वजन है जिसके कारण अलमारी वाले सारे सामान खाली करके अलमारी के पीछे से निकाला जाएगा धामन सांप को। इसमें पुआ मिला था गेहुअन का भी, तो गेहुअन भी हो सकता है। तो देखते हैं गेहुअन का पुआ था तो वो चला गया है नहीं है। गैप में ढुक चुकी है, निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निकल नहीं रही है, कहीं और पर सरकना चाहती है लेकिन ये निकल। फ्रेंड्स अपना धामन सांप है, अभी ये बच्चा लग रहा है हमको, लग रहा है इसका बड़ा साइज वाला धामन सांप इसी में कहीं छुपी है। अपना इंडियन रेडी स्नैक बाहर निकालते हैं इसे। तो फ्रेंड्स काफी मशक्कत के बाद इसे निकाला गया है। इसे जल्द से जल्द पैक करेंगे और देखना चाहेंगे कि कोई और सांप है। हालांकि इसमें मिला था हमको, हालांकि कोबरा का हमें उसमें पुआ मिला था, उसको निकालेंगे अभी। इसे पैक करते हैं, इसे ले चलते हैं बाहर।
सारा जो फ्रेंड्स से देख सकते हैं अपना धामन सांप। ये बताइए कौन सा सांप है। इसके काटने से कहते हैं, इसके पूंछ से मारने से शरीर गल जाता है, हालांकि ये कुछ नहीं होता है। देखिए ये सब अंधविश्वास है, आप अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। अंधविश्वास के चक्कर में गेवन सांप काट लेते हैं। प्रैक्टिकल गौर करें, इनके काटने से लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अब झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े। तो हम इसे पैक करेंगे जल्द से जल्द। ये देखिए एक और अंधविश्वास है लोगों का, ये अपने शरीर को पलट रही है तो बोलते हैं काटने के बाद इसने अपना मुंह करके पलट जाता है तो भी चढ़ता है, ये चढ़ता है, वो चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने बचाव के चक्कर में पूरा अपने शरीर को आँट दे रही है। तो हम इसे पैक करेंगे जल्द से जल्द और देखेंगे कौन सा और सांप है। तो फ्रेंड्स 4-4.5 फीट की है, तो इसे पैक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा सांप है, निकालते हैं उसे भी। एक सुगा मंगा लीजिएगा। सुगा सुगा ये तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं दामन में भी जहर होता है, हालांकि हमारे वीडियो में देखे होंगे। ये देखिए जैसे हम लोग का दांत होता है, मछलियों का दांत होता है, वैसे इन लोग का भी दांत होता है। देखिए पूरा ये दांत है यहाँ पे, ये देखिए ये मेरे चाम में हल जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे। और जो जहर वाले होते हैं उनका यहीं पे दो दांत होता है एक्स्ट्रा, जहर की थैली होती है। झाड़ फूक वाले तंत्र मंत्र वाले उस थैली को निकाल देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, इसकी वजह से सांप पर्यावरण में अपना अपना भोजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पैसे चक्कर कमाने के चक्कर में वो लोग इसका दर्द दुख नहीं देखते हैं, उसका दांत तोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप जहाँ भी देखें किसी स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाकर उसे जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश करें। अगर कोई सांप काटे आपको तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। तो इसे पैक करते हैं हम। तो फ्रेंड्स अपने इंडियन रेड इसने को पैक कर लिया हमने, इसे यहीं पे रख दे रहे हैं और देखते हैं उसमें कोबरा का पुआ था, निकाल के देखते हैं और कोई सांप है तो निकालते हैं। आई
यस गो। तो फ्रेंड्स अलमारी को बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी आशंका थी वो नहीं मिला है, कहीं चला गया होगा। तो चलते हैं, इंडियन रेड स्नेक एक मिला है उसी को लेकर चलते हैं, इसी सब जगह पर रिलीज करेंगे। नहीं रहने दीजिए, सांप तो नहीं मिला है, जो मिला है उसी को लेकर चलते हैं, किसी सेफ जगह पर रिलीज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भेजवानों को बचाते हुए, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने दामन को रेस्क्यू किया था उसे यहीं पर रिलीज करते हैं। यहाँ से पानी वाला पूरा जगह है, यहाँ से चली जाएगी, हालांकि उतनी बड़ी तो नहीं है पर जितना भी है लोगों को डराने के लिए काफी है। देख सकते हैं फ्रेंड भागने के लिए आक्रामक मोड में पूरी तरह। ये देखिए इसको ज्यादा देरी नहीं करेंगे, इसे यहीं पे रिलीज करते हैं। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, पानी वाला पूरा जगह है। ये देखिए आराम से चली जाएगी, सेफ जगह पे चली जाएगी, पानी वाला जगह है पूरा भरपूर। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना। अंधविश्वास के चक्कर में लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, इंसान की मृत्यु हो जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन सब बातों के लिए बाय।